गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है ना, जो मैं नाइट को जो रुका था, मैं किसी के घर पे, फ्रेंड के घर पे सादकाबाद में, तो नाइट को रुके थे ना इस फ्रेंड के घर पे, तो उन भाई का जो है ना आप लोगों को मैं जो है ना उनका घर दिखाने वाला हूँ। बहुत मस्त सा, अच्छा सा, छोटा सा घर है पर बहुत ही अच्छा उन लोगों ने बनाया हुआ, खुला खुला सा है ना। ये पीछे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा घर है। तो सबसे पहले उनका जो है ना मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये उन लोगों ने जो है ना दूध के लिए अपनी गायें वगैरह रखी हुई। ज़्यादातर यहाँ पर भैंसें और गायें रखी जाती है दूध के लिए, और बाकी चीज़ें सोर्सेज के लिए तो नहीं रखी जाती, और जो है ना दूध वगैरह के लिए रखी जाती है। तो ये इनके जो है ना गायें वगैरह यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जिसे आप लोग उबले बोलते हैं, ये उबले वगैरह हैं यहाँ पर। तो वो लगा हुआ इनका मशीन जो है ना घास काटने के लिए, ये वाला, ये देख सकते हैं आप लोग। ये जो है ना लाइट से चलाता है, पता नहीं कितने हॉर्स पावर के ये मोटर है। तो ये टोके, इस टोके को चलाता है, इसको टोका बोला जाता है। तो वो वहाँ पर खुरली बनाई हुई उन लोगों ने कुछ ना के लिए। तो ये इनका जो है ना बगीचा थोड़ा सा बना हुआ, ठीक है, जिसमें पौधे वगैरह लगाते हैं। तो ये देख सकते हैं छोटा सा घर है पर इन लोगों ने बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग की हुए हैं। तो ये देख सकते हैं वो जो है गंदम के लिए उन लोगों ने स्टोर करने के लिए जो है ना वो बनाया हुआ है। तो आप लोग को चलते हैं इनका जो है ना किचन दिखाते सबसे पहले। यहाँ पर ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा बना हुआ है, छोटा सा किचन है, बैठने के लिए ये बनाई हुई है। इसे फटी, ज़्यादातर पंजाबी में फटी बोलते हैं बैठने के लिए। तो ये वाला देख सकते हैं आप लोग कि ये इनका छोटा सा किचन है, ठीक है। और ये प्लेट जो होता है, प्लेट में इसमें आटा गूंदने के लिए ये प्लेट्स रखा जाता है ज़्यादातर। तो ये उबले भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये रहा उनका मंदिर, छोटा सा मंदिर है, आप लोग मंदिर भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सब कुछ बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा है। और ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना, ये इन लोगों ने जो है ना सर्दी के लिए भी होता है, यहाँ पर ढक दिया जाता है इसको यहाँ से बाहर से उस कवर से। उसके बाद जो है ना सर्दियों में ये जो भी गाय वगैरह सभी कुछ इन चीज़ों में छाँव में बांधा जाता है। तो ये रहा, ये आगे देख सकते हैं, फिर पौधे इनके लगे हुए हैं यहाँ तक। तो इनका थोड़ा सा अलग सा जो ना आप लोगों को दिखाते हैं मंदिर, तो लोग देख सकते हैं एक साइड पे थोड़ा सा मंदिर बनाया हुआ है। जय श्री राम। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा मंदिर है, ठीक है, कटआउट लगे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है ना बहुत ही सादा जिंदगी जीने वाले लोग होते हैं। तो इन लोगों ने ये देखे भोले जी, और ये श्री राम जी, और ये बाबा रामदेव, और ये हनुमान जी, और ये हनुमान जी, और इसके अलावा ये माता काली, माता जी, माता शेर, काल की माता, और ये हमारे शिव जी, और ये फिर से हनुमान जी। ये जो चित्र वगैरह ये बहुत ही पुराने होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर काफ़ी लोग जब इनको थोड़ा सा डैमेज होता है तो ये जो है ना किसी को देते नहीं है ज़्यादातर। बेसिकली कहते हैं कि हमारे भगवान की चीज़ हमारे घर आई हुई, हम वापस कहीं को किसी को दे नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो है ना ये कटआउट अगर थोड़ा सा क्रैक हो जाता है तो उनको ये किसी को कहीं पर डाल नहीं सकते ना, तो यहीं पर लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये लाइट लगा हुआ है नाइट के लिए। और बेसिकली मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन लोगों, इन भाइयों ने लाइट चलता पता नहीं, मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, मेरे ख्याल से ख़राब हो चुका है। ये जो है ना लाइटिंग लगी हुई है थोड़ी सी, तो जो है ना हर साल ये होली दिवाली पर इसी को कलर वगैरह करते हैं सब। तो ऊपर छत थोड़ा सा कच्चा है इसका, तो चलते हैं आगे। तो ये है ना भाई का डिश लगा हुआ है नीचे, थोड़ा सा आंधी वगैरह में ऊपर से उड़ जाता है ना, तो इस वजह से इन लोगों ने नीचे रखा हुआ है। और इसके साथ ही तार जा रहा है ऊपर, और ये बोर्ड वगैरह कुछ रखे हैं। तो ये पैसे ही हैं ना भरा रही। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये आईना लगा हुआ बाहर, और ये देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये घर है। और इसमें ना गंदम, ज़्यादातर गंदम डाला जाता है इसमें। इस साल तो थोड़ा सा गंदम जो है ना बहुत ही महंगा है, तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर पूरा है नहीं। इस भाई का घर है, ये भाई देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी ये इसमें फूल लगाए हुए हैं, पौधे लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। हमारा नाम क्या है बोल,
गाइस ये एप्पल का जूस पी रहा है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जगह जो है ना थोड़ी सी तंग है, पर उसके अलावा भी यहाँ पर ना जो इन लोगों ने जानवर वगैरह रखे हुए हैं ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये खुरली वगैरह इनका टूट चुका है काफ़ी, ठीक है, इनको लकड़ी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये देख सकते हैं पता नहीं कहाँ से इकट्ठा किया वाले जो है ना जलाने के लिए लकड़ी, और ये उबले, और ये देख सकते हैं भैंस और उसके साथ गाय। और पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या होती है, और तो पानी ये देख सकते हैं कैन वगैरह रखी हैं, कैन जो है ना बाहर लेके जाते हैं, वहाँ से जो है ना पानी भर के आते हैं, जहाँ पर जो है ना ग्राउंड वाटर अच्छा होता है वहाँ से भर के लेके आते हैं। ये देख सकते हैं बच्चे यहाँ के, और ये फिर एक और डिश लगाया हुआ इन लोगों ने, ठीक है, तो ये देख सकते हैं ऊपर, ठीक है, डिश ये ड्रामे वगैरह देखते हैं ना। तो ये देखें ये प्राइड तौर तरीके वाले मटके पड़े हुए हैं, ज़्यादातर मटकों में पानी जो है ना बगैर किसी फ्रीजर के ठंडा रहता है, फ्रिज तो कम ही होते लोगों के घरों में। तो ये इनका किचन है देख सकते हैं, और तो गाइस ये देख सकते हैं कितने सारे उबले यहाँ पर लगाए हुए हैं ऊपर, ठीक है। तो 12 महीने का जो है ना जलाने की लकड़ियाँ नहीं होती ना, तो इस वजह से ये उबले ही थोड़े से काम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए उबले किस तरह से यहाँ पर लगाए हुए हैं इन लोगों ने जनाब, और ये देख सकते हैं कितने सारे उबले हैं, और उसके अलावा ये नीचे भी देखें उबले कितने सारे उबले यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये यहाँ का चूल्हा है जो कि गर्मी सर्दी में ऊपर से ढक दिया जाता है, उसके बाद वो देखो छतों पर लोगों ने कितना सारा जो है ना लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हैं, क्योंकि बारिश आती है तो बारिश के दिनों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आता है, ठीक है, जलाने की लकड़ियों का, इस वजह से इन लोगों ने ना जो यहाँ पर ऐसे जो है ना उबले वगैरह स्टोर किए होते हैं। तो गाइस फाइनली जो है ना आप जा रहे हैं थोड़ा सा ना सिटी में, जो है मेरे फ्रेंड का थोड़ा सा ना पेपर वर्क का काम है, तो मुझे उसके साथ जाना पड़ रहा है, ठीक है, नाइट में मैं यहीं पर रुक गया था, वापस नहीं जा पाया। तो मेरे कपड़ों की हालत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, ठीक है, तो घर जाके जो है ना कपड़े भी चेंज करने वाले हैं। तो जो है ना सिटी हम रहीमयार खान, अब सादकाबाद था, सादकाबाद से अब सिटी रहीमयार खान जाने वाले हैं, ठीक है। तो हमने जो है ना वो हाईवे का रास्ता नहीं लिया, तो बीच से थोड़ा सा शॉर्टकट है, तो हम शॉर्टकट जो है ना छोटी रोड पकड़ने वाले हैं, ताकि हम जो है ना जल्दी से वहाँ पर पहुँच सकें। हाईवे जो है थोड़ा सा आउटसाइड रहता है ना, तो इस वजह से जो है ना हमें ऊपर से घूम के आना पड़ता है सिटी रहीमयार खान। इधर से अगर हम ऐसे यूँ थोड़ा सा रास्ते से जाएंगे ना, तो थोड़ा सा रोड तो छोटा है, पर बेसिकली हम जल्दी पहुंच जाते हैं वहाँ पर। बेसिकली ज़्यादातर सादकाबाद हमें आने के लिए जो है ना यही हमें हम रोड को अपनाते हैं, ठीक है। अभी जाने वाले हैं, थोड़ा सा हालत भी ख़राब हो रुका है, क्योंकि कल जो है इतना ज़्यादा हम लोगों ने मैंने ट्रैवल किया ना बाइक पर, तो उसकी वजह से जो है मेरे एक तो बेसिकली हेलमेट का मेरा जो है ना वो शीशा भी नहीं था उसका, तो हेलमेट बेसिकली मेरा नहीं था, किसी और का हेलमेट था, तो मैं जो है ना किसी से लेके आया था, क्योंकि हाईवे पर जाना था, तो मेरा बेसिकली हेलमेट जो है ना टूट चुका था, तो मैंने यही सोचा किसी से चलो फ्रेंड से ले लेते हैं। तो जल्दी मैं प्रीतम शर्मा के घर गया, उनके उसके पास भी हेलमेट था, तो उसके पास हेलमेट था, लेकिन बेसिकली वो प्रीतम शर्मा घर पर नहीं थे, तो मैं जल्दी मैं उसके घर से हेलमेट नहीं ले पाया, ठीक है। तो हेलमेट फिर मैंने किसी और एक बंदे को बोला, तो एमरजेंसी में मेरे को जो भी मिला मैंने वो ले लिया, ठीक है। आईना नहीं था, तो शीशा नहीं था उसका, तो फिर भी कोई नहीं, मैंने चलो तो हेलमेट तो है ना, तो मैंने वो लेके गया था। उसकी वजह से जो है ये हालत देख सकते हैं किस तरह से ख़राब हो रखा है। घर जाते हैं, घर जाने के बाद जो है ना नहाएंगे धोएंगे थोड़ा सा फ्रेश होंगे, ये बाइक चला रहे हैं, बाइक मेरी जो है ना जान छूटी हुई है कल से,